बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, त्योहारों का टाइम आ रहा है, हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा फेस्टिवल चल रहा है वो है नवरात्रि, यानी कि 9 nights, 9 रात्रि। और इसमें हम पूजा करते हैं देवी दुर्गा की, जिनके 9 रूप हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, हम एक जोत जलाते हैं, लैंप लगाते हैं, जो 9 दिनों तक जलती रहती है। और ये ज्योति हमें अंदर से ताकत देती है हमेशा अपने काम को अच्छे से करने की, हमेशा अटल रहने की, बुराइयों से ना डरने की, ना घबराने की, है ना। तो हम ये सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि, क्या क्या करते हैं इसमें, डांडिया खेलते हैं। और 9 दिन बाद जब आखिरी दिन होता है तब दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्र में हम छोटे छोटे बच्चे, यानी जो लड़कियां होती हैं, गर्ल कंजक पूजन भी करते हैं। ऐसा माना जाता है इन 9 दिनों में देवी धरती पर आके छोटे बच्चों का रूप लेके खाना खाती है अपने भक्तों के घर पे, और वो बहुत प्रसन्न हो जाती है जब छोटी छोटी लड़कियों को हम खाना खिलाते हैं, कंजक पूजन करते हैं। तो इन दिनों में खूब सेलिब्रेशन किया जाता है, बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लाइटिंग लगी होती है, बाजार सजे होते हैं, हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं, पता है क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है, आपको सुननी है वो कहानी। ये कहानी शुरू होती है महिषासुर नाम के एक राक्षस के साथ। महिषासुर ने कई सालों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि इस धरती या आकाश में पुरुष कोई भी हो, मेरा वध न कर पाए और कोई मुझे युद्ध में हरा न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर में बहुत घमंड आ गया और वो देवी देवताओं को परेशान करने लगा। फिर तीनों देव यानी त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति को प्रकट किया। उस ज्योति से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम दुर्गा रखा गया। तो देवी दुर्गा धरती पर आई। धरती पर आके उसने महिषासुर से युद्ध शुरू किया। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच में 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। ये युद्ध इतना भयानक था कि सब देवी देवताओं, धरती के जीव सब बहुत ही डरे हुए थे। तो आखिरकार 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तो बच्चों, इस तरह 9 दिनों के युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर पे जो विजय प्राप्त की, उसके उपलक्ष में हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसी लगी आप सबको नवरात्रि की कहानी? हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय डियर किड्स। थैंक यू।